बांझपन में जो पशु है उसका तो उपचार होना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर दिक्कतें ये बांझपन की उसी पशुओं में आती है जो पशु डबल बच्चे लेकर आती है। जो गाय भैंस होती है वो दो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसके अंदर जो मादा पशु होगा वो बांझपन का शिकार होगा। राम राम, नमस्कार सभी किसान साथियों को। दोस्तों, फार्मिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ भादरा के गांव जोगीवाड़ा में और अपने साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश जोगीवाड़ा। काफ़ी किसान साथियों के मैसेज आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उन सभी क्वेश्चंस के जवाब लेने के लिए आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। तो आपकी बात करवाते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार है, गांव जोगीवाड़ा है और ये बादरा तहसील के अंदर पड़ता है। तो आज ये जो फार्मिंग एक्सपर्ट से मेरे भाई आए हुए हैं तो इनको मेरे ख्याल से संतुष्ट करके भेजेंगे। आज इनके कुछ सवाल है, इन्होंने एक मेरी वीडियो डाली थी अपने फेसबुक पेज के ऊपर, तो वो वीडियो मेरे ख्याल से वायरल हो गई थी, अच्छी बढ़िया उसके ऊपर व्यू भी आए थे। तो उनका कुछ सवाल थे पशुपालक भाइयों के, मेरे पास भाई के कॉल आए कि थोड़ा आप संतुष्ट करना, ये सवाल है हमारे तो आप बताना पशुपालकों को। तो इनके सवाल है ये, आगे आप कंटिन्यूटी मेरे से पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उनका बढ़िया तरीके से जवाब देने का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो हमने वीडियो डाली थी अपने पेज पर, अपने चैनल पर, तो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और उससे काफ़ी किसान साथियों के मैसेज भी आए, कॉल्स भी आए कि हमारे जो कुछ क्वेश्चंस है कुछ डॉक्टर साहब से, तो वो आप जाकर पर्सनली उनसे पूछें और हमें अपनी समस्याओं का समाधान दें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर साहब कि आजकल जैसे कि मौसम, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में पशुओं को काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, तो इन बीमारियों से अपने पशुओं को दूर कैसे रखें और कौन-कौन सी बीमारियां इस मौसम के अंदर पशुओं में फैल सकती है, इसके बारे में बताइए। अभी जो मौसम चल रहा है बरसात का मौसम है, इसके अंदर ज़्यादातर बीमारियां जैसे गलघोंटू हो गया, FMD हो गई, और ज़्यादातर नया चारा स्टार्ट होने के कारण पशुओं के अंदर बंदे की जो शिकायत है, पशुओं के अंदर ज़्यादातर केस मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आज बताऊंगा जो FMD है और जो गलघोंटू है इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसकी वैक्सीनेशन होती है, ये हमारे गवर्नमेंट जो पशु चिकित्सालय होते हैं साइड के अंदर, हमारे गाँव के अंदर जो छोटे सेंटर होते हैं, इसके अंदर इसकी वैक्सीनेशन फ्री की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप उन सुविधाओं का भी लाभ लो, और कई बार ज़्यादातर ये गलघोंटू वगैरह हो जाती है और FMD हो जाती है, तुरंत का बता रहा हूँ। ये चीज़ें क्या होती है, जैसे FMD हो गया और गलघोंटू बीमारी हो गई, गले के अंदर सूजन वगैरह आ जाता है। FMD के अंदर क्या होता है कि पाँव के अंदर सूजन आ जाना, मुंह के अंदर छाले वगैरह हो जाना, लंगड़ापन आना, तो इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे आप अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप इन होने वाली हानियों से बच सके। और मौसम के अंदर ज़्यादातर अभी जो मौसम चल रहा है बरसात का मौसम है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि बंदे की शिकायत बहुत ज़्यादा पड़ रही है पशुओं के अंदर, देखने के अंदर यही आ रहा है, बंदे की शिकायत और बुखार हो रही है पशुओं के अंदर, जो दिमागी जिसे बुखार बोलते हैं, सिर के अंदर सीधी बुखार, जिसका टेम्परेचर 105 से 107 डिग्री फॉरनाइट तक चला जाता है। तो इसके लिए हमें पशु चिकित्सक से ही पूरा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक जो पशु अभी ब्यांत में है या फिर जो गैबिन है, उनको हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट दें, उनकी क्या खास देखभाल करें कि जो पशु है और उसका जो बच्चा है दोनों स्वस्थ रहें। ये होता क्या है कि पशुओं के अंदर अभी दिक्कत चल रही है, क्योंकि पहले तो आज से जो 5 साल का जो समय था वो बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से, क्योंकि उस समय हम क्या करते थे, अपने पशु को नहलाने के लिए जोड़ में ले जाते थे, खुला चराने के लिए ले जाते थे। लेकिन आज का समय वो नहीं रहा है, इधर एक खूंटे से दूसरे खूंटे के अंदर हम बस इधर उधर 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 करते रहते घर के अंदर ही, क्योंकि उस पशु का पूरा शरीर का मूवमेंट नहीं होता। तो आमतौर बात ये है कि बीमारी तो पनपेगी, एक जगह पर रहेगा कोई ना कोई पशु अगर, तो इसके अंदर दिक्कतें आती रहती है पशुओं के अंदर, ज़्यादातर दिक्कत तो नहीं होती थी उस समय। तो इस कारण क्या होता था कि पशु की मूवमेंट होने के कारण पशु स्वस्थ रहता था। लेकिन आज का समय वो है कि हमने जैसे फसल बीज दी, फसल जैसे ही उगती है तो हम स्प्रे करने हैं, मतलब एक स्प्रे करने शुरू कर देते हैं, जब तक घर में नहीं आ जाता तब तक हम दुआई करते ही रहते हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो मनुष्य के अंदर हो, चाहे जानवरों के अंदर हो, पशुओं के अंदर हो, कहीं ना कहीं दिक्कत तो वो देगी, तो वो पशु शरीर के अंदर नुकसान करती है। तो इसलिए हमें पशु जो अपने पशु है वो स्वस्थ रखने के लिए हमारी जो कंपनियां जो प्रोडक्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे से प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जैसे मिनरल्स की कमी ज़्यादातर आती है, पोषक तत्वों की कमी आ रही है, क्योंकि खान पान के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी तो शरीर के अंदर इन चीज़ों की कमी होने के कारण पशु बार बार बीमार होगा,
बार बार रोगों से ग्रसित होगा। तो इससे बचाव के लिए हमारे जो गाभिन जो भैंस होती है, जो गाय भैंस होती है, इसके अंदर ये ज़्यादातर दिक्कतें आती है। तो इसके लिए मैं कंटिन्यूटी कुछ मिनरल मिक्सचर आते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे मैं आपके बीच में चर्चा करूँगा, हमारा एक मिनरल मिक्सचर है जिसका इम्यूनोलाइफ कंपनी का ये मिनरल मिक्सचर है 30M ब्रांड का, तो बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। ये मिनरल मिक्सचर क्या होता है, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन दिया है जिन साल्टों का, तो बहुत शानदार दे रखा है। तो ये क्या होता है, पशु के अंदर शरीर के अंदर जिन चीज़ों की पोषक तत्वों की कमी होगी वो ये पूर्ति करेगा। तो आप अपने गाभिन पशुओं को ये मिनरल मिक्सचर दीजिए और अंदर जो बच्चा पड़ रहा है वो भी इस मिनरल मिक्सचर के कारण क्या होता है कि स्वस्थ रहेगा और बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। डॉक्टर साहब, ये आपने जो अभी मिनरल मिक्सचर बताया है, ये कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं और कितने दिनों तक देना पड़ता है? ये होता क्या है कि जैसे हम हमारे गांव के अंदर इतना पशुपालकों को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं जैसे हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में, वो क्या करते हैं, वो लोग इनको कंटिन्यूटी देते हैं। जैसे छोटा बच्चा तैयार करते हैं तो वो लगातार कंटिन्यूटी देते हैं जब तक बढ़िया तरीके से, मतलब संतुलित ये आहार ही हो गया, एक तरीके का आहार है जो हमारे, हम जैसे हरा चारा डालते हैं, तूड़ी जो डालते हैं पशुओं को, वो उनके अंदर खनिज तत्व तो मेरे ख्याल से कम होते हैं, जहर जो डालते हैं उसके कारण खनिज तत्वों की जो मात्रा होती है वो डाउन चली जाती है। तो ये एक तरीके का आहार ही है। आप इसको जैसे हम तूड़ी डाल रहे हैं, तूड़ी के ऊपर डाल सकते हो, पशु खा लेगा आसानी से, कोई तो दिक्कत नहीं है। कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी इसकी? ये जो बड़ा पशु होता है उसको हम 50 ग्राम देंगे और जो छोटा पशु होता है उसको 25 ग्राम ये सुबह शाम हमें देनी होती है। और इसके क्या होता है कि शरीर के अंदर जितने किसी प्रकार का रोग हो ये उन रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है पशु की। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न ये है कि कुछ पशु ऐसे होते हैं कि जिनकी जो लेवटी है वो विकसित नहीं हो पाती, तो उसके लिए अपने पास ऐसा क्या खास ट्रीटमेंट रहेगा कि उनकी लेवटी भी विकसित हो जाए और जो दूध है वो भी बढ़े? बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करती है। जैसे हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार कर रखा है विटामिन एच, ये है जी 30M ब्रांड का, इम्यूनोलाइक कंपनी का, बहुत शानदार रिजल्ट है। बार बार टेस्टेड होने के बाद हम पशुपालकों के बीच में ये प्रोडक्ट उतारे जाते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे हम पशु को 20 ml रोटी चौपड़ के हमें देना होता है, रोटी के ऊपर डाल के पशु को सुबह शाम देना होता है। ये मेरे ख्याल से 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, ये जैसे हमने कोई जोटा तैयार करना है उसके अंदर शुक्राणु की मात्रा कम बन रही है, तो इस शुक्राणु की मात्रा को भी बढ़ाएगा, शरीर के अंदर पशु के शरीर के अंदर चमक भी बढ़ाएगा। साथ साथ में ये क्या करता है, जैसे दूध धारण की जो क्षमता होती है पशु की, जो ब्याय हुई जो दुधारू पशु है उसके अंदर दूध की क्षमता को ये भी बढ़ाता है। और कई बार क्या होता है, पशु दीवारों पर सिर टकराता रहता है, ज़्यादातर दिक्कतें आती है घरों के अंदर, जो पशु होते हैं, जो गाय भैंस होती है, वो दीवारों के सिर टकरा रहता है। तो वो एक विटामिन की कमी के कारण, जैसे विटामिन एच की कमी हो गई उसके कारण ये ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। तो ये विटामिन एच आपको 20 ml सुबह शाम अपने पशु को देनी है, इसका भी बहुत शानदार रिजल्ट है। अच्छा, इसको रोटी में ही दें या फिर किसी लिक्विड में जैसे पानी या लस्सी वगैरह में भी डाल सकते हैं? ज़्यादातर क्या होता है, हम सोते टाइम हम रोटी के ऊपर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये कई बार एक इसका बहुत शानदार रिजल्ट है, पशुओं के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर भी इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कई बार क्या होता है कि पशु ब्याह भी जाता है लेकिन उसकी जेड़ नहीं गिर पाती, उसके लिए फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, फिर वो हाथ से उसकी जेड़ निकालता है जिसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो अपने पास ऐसा क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ऐसा क्या नुस्खा है जिससे पशु आसानी से ब्याह भी जाए और उसकी जेड़ भी गिर जाए, निकलवानी ना पड़े? ये होता क्या है कि पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण ये दिक्कतें आती रहती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मिनरल्स की कमी के कारण ये ज़्यादातर दिक्कतें होती है। पशु के अंदर किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी हो गई तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी, चाहे वो ब्यांत के अंदर दिक्कत दो या चाहे दूध के अंदर दिक्कत दो, दिक्कत तो देगी हर चीज़ के अंदर। तो हम अगर कंटिन्यूटी अगर मिनरल मिक्सचर स्टार्ट रखते हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें मेरे ख्याल से नहीं आती है, फील्ड के अंदर काम भी करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। फिर भी अगर रिजल्ट नहीं, मतलब हो रहा है कि जेर नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि कई प्रकार के टॉनिक आते हैं, जैसे यूटी प्लस आ गया, ये लिक्विड के अंदर होता है, गुड़ के अंदर हमें देना होता है 100 ml सुबह शाम गुड़ के अंदर हमें ओटी बना के देनी होती है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में तुरंत रिजल्ट पाने के लिए ये साथ में मेला भी छंटवाता है, वो कहते हैं ना कि ग्रामीण इलाकों के अंदर कि इसका मेला नहीं छंटा,
तो मेला छंटेगा तभी तो दूध बनाएगा पशु, क्योंकि कहीं ना दिक्कत अगर शरीर के अंदर रह जाती है थोड़ी बहुत, गर्भाशय के अंदर अगर कोई बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन रह गया तो दूध नहीं बनाएगा मेरे ख्याल से। तो एक हमारी कंपनी है पीएफ लेंस फार्मा, इसका एक पाउडर आता है FMTR। ये FMTR क्या होता है, हमें गुड़ के अंदर एक पैकिंग, ये 60 ग्राम की पैकिंग आती है मेरे ख्याल से, नहीं 100 ग्राम की एक पैकिंग आती है इसके अंदर है, और ये 100 ग्राम की पैकिंग आपको गुड़ के अंदर सुबह शाम आपको 200 ग्राम देनी है, तुरंत इसका रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। FMTR6 ये आपको हर मेडिकल स्टोर के ऊपर उपलब्ध मिल जाएगी, अगर फिर भी नहीं मिले तो आप हमारे स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम ऑर्डर लगवा देंगे। एक डॉक्टर साहब, एक पशुपालक भाई का मैसेज आया था कि एक काफी आम रोग है पशु का थनेला रोग, जिसमें पशु का थन रुक जाता है, उसका कोई उपचार है तो बताइए। ये ज्यादातर दिक्कत होती क्या है कि जो थनेला रोग होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे एक थनेला रोग तो हो गया, जैसे नॉर्मल हो गया, सोजन वगैरह आ गई, अडर के ऊपर सोजन आ गई, वो तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट से, जैसे रोक्स वेट वगैरह हो गया, जोक्स नील टेबलेट आ गई, तो इस प्रकार की जो टेबलेट होती है, जो बोलस होती है, उनसे हम इसका निपटान कर सकते हैं। लेकिन कई बार वही अगर हम गौर नहीं करते, पशुपालक भाई ज़्यादातर उनके ऊपर गौर नहीं करता है, तो वो रोग फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस के अंदर बदल जाता है। फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस क्या होता है कि जो अडर होता है उसके अंदर अगर हम कोई नुकीली चीज डालेंगे वो भी नहीं डलेगी, तो पूरा मतलब एक कठोर हो जाता है पूरा अडर, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से रुपए लगवाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार मिल जाता है लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिलता, और रिजल्ट मिल भी जाता है तो हाई एंटीबायोटिक, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं, ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कुछ आयुर्वेदिक जैसे घरेलू नुस्खे हैं जो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, उनसे आप पिता सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। एक ये जो थनेला रोग है, तो ये मान लीजिए एक थन को हो गया, एक थन में हो गया, तो ये फैलता भी है क्या बाद में? हाँ, जरूर फैलता है। ये कोशिकाएं होती है जो थन के अंदर, अडर के अंदर, वो कोशिकाएं एक जगह संगठित हो जाती है और पूरे अडर को रोक देती है, जो झरने होते हैं अडर के अंदर वो रोक देती है। और कई बार एक दिक्कत और आती रहती है, पशु ब्याने के बाद जो गाय भैंस हमारी जो ब्याती है, तो हम दूध निकालते हैं तो उसके अंदर ललाई आती है, खून आने लग जाता है, चीथड़े आने लग जाता है, तो उसके लिए भी जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये विटामिन एच है, अडर से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इसके अंदर बहुत शानदार रिजल्ट है, ये आप दे सकते हो 50 ml सुबह शाम। और ये ट्रीटमस्ट अल्ट्रा है, बायोडिसेंट कंपनी का एक पाउडर है, पैकिंग आती है छोटी छोटी, 3 से 5 दिन तक आप दोगे तो ये चीथड़े आने की शिकायत है, खून जो दूध के अंदर आ रहा है उसके अंदर ये अच्छा रिजल्ट देगा। कई बार सोजन आ जाता है पशुओं के अडर के ऊपर, नॉर्मल सोजन आ जाता है, जैसे कोई चोट के कारण आ गया, तो इसके लिए मेस्टा फास्ट स्प्रे है एक, ये है जी वेट मैन काइंड कंपनी की, तो इसका रिजल्ट इसके अंदर बहुत शानदार है। अपने जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर एक बार लगा के छोड़ दो, 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। डॉक्टर साहब, अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अपने पशुओं को गर्मी से कैसे बचें? गर्मी से बचाने के लिए हमें जैसे घरेलू नुस्खे में बता देता हूँ, जैसे गोंद का तीरा आता है, और कई प्रकार के ऐसे ठंडी चीज़ें जैसे मेहंदी हो गई, और हिरमच होती है, एक मिट्टी आती है हिरमच टाइप में, वो मिट्टी हम पशुओं को पानी के अंदर मिला के दे सकते हैं, पशुओं को लस्सी भी पिला सकते हैं, तो उससे भी पशु गर्मी से बन जाएगा। लेकिन आजकल इन चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो जो पशुपालक है वो ज़्यादातर दवाइयों पे डिपेंड होने लग गया धीरे 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 धीरे, तो जो कंपनियाँ हैं वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार करने लग गई है। तो जो एक रिहाइड्रेशन सोल्यूशन नाम का एक प्रोडक्ट है, जो पशुओं को गर्मी लू आंपने की शिकायत किसी भी प्रकार की हो उससे बचाता है, मैंगो फ्लेवर के अंदर है, पशु खाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसका नाम है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो आप अपने पशुओं को इससे बचा सकते हो। एक डॉक्टर साहब, कई बार पशुओं के कोई घाव हो जाता है और वो घाव भर नहीं पाता, और ऊपर से मक्खी मच्छर बैठ बैठ कर उस घाव में क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है अपने पास? ये होता क्या है कि जैसे ये ज़्यादातर मानसून के मौसम में होता है, जैसे मौसम जो बारिश का मौसम होगा उसके अंदर ज़्यादातर दिक्कत होती रहती है, तो इसके लिए जो कंपनी है वो अच्छे अच्छे हर्बल स्प्रे तैयार करती है। ये जो स्प्रे है ये सभी प्रकार के, जैसे
इसके अंदर कंटेंट इतना अच्छा दिया हुआ है, थोड़ी महंगी कॉस्टली ज़रूर पड़ती है लेकिन कंटेंट इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि एक बार आप यूज़ करोगे तो दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस गाओ के अंदर। तो ये क्या होता है कि उस गाओ को भरने में और इसके अंदर एक ऐसा ऑइंटमेंट मिलाया हुआ है जो जो गाओ है उसके ऊपर एक परत बना देता है और उस परत से क्या होता है मक्खी मच्छर होती है वो जो भी अंडे देती है अंडे के कारण जो मवाद पैदा होता है वो ये जो स्प्रे के अंदर जो ऑइंटमेंट है वो बढ़ने नहीं देता और इन्फेक्शन फैलने से ये हर्बल स्प्रे पशु को बंसाती है और नुकसान भारी नुकसान होने से भी पशु को बंसाती है। डॉक्टर साहब एक अगर किसी घाव में कीड़े पड़ गए तो उसमें भी ये कारगर है? हाँ जी, इसके अंदर जैसे तारपीन की मात्रा डाली हुई है, तारपीन की इसके अंदर कंटेंट सारा डाला है, जैसे कपूर की मात्रा डाली हुई है, तारपीन की मात्रा डाली हुई है। जो तारपीन होता है ये क्या होता है कीड़े को मारने का काम करता है। आप सीधा मेडिकल से ला के आप तारपीन डाल दोगे तो भी कीड़े मर जाएंगे। डॉक्टर साहब आजकल एक समस्या आम हो गई है, एक तो पशुओं में बांझपन और या फिर पशु हीट में नहीं आता, तो उसका क्या घरेलू नुस्खा अपनाया जाए और ऐसा अपने पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है क्या जिससे ये दिक्कत दूर हो सकती है? काफ़ी किसानों के काफ़ी पशुपालकों के ये समस्या आ रही है। बात यह है कि बांझपन में जो पशु है उसका तो उपचार होना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर दिक्कतें ये बांझपन की उसी पशुओं में आती है जो पशु डबल बच्चे लेकर आती है, जो गाय भैंस होती है वो दो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसके अंदर जो मादा पशु होगा वो बांझपन का शिकार होगा और जो नर पशु होगा वो बांझपन का शिकार नहीं होगा। तो ये पशुपालकों को पता नहीं होता कि उनके ऊपर खर्चा लगाते रहते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट देते रहते हैं तो वो भारी नुकसान उसमें, क्योंकि ये एक किताबी ज्ञान के अंदर भी और पुराने जो डॉक्टर हैं वो भी बताते हैं कि ये समस्या बांझपन का जो होती है ये ज़्यादातर जो दो बच्चे लाती है जो गाय भैंस उसके अंदर ज़्यादातर दिक्कत आती है और कई बार बांझपन इन्फेक्शन के कारण हो जाती है। बच्चादानी की जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी ये दिक्कतें होती रहती है। और रही बात ताव में नहीं आना, हिट में नहीं आती है पशु, तो ये मैंने बता भी रहा हूँ मिनरल्स की कमी के कारण ज़्यादातर दिक्कत आती रहती है। जैसे कॉपर की मात्रा शरीर के अंदर कम हो गई तो पशु ताव के अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें जो अच्छी कंपनी के जहाँ से उपलब्ध हो वहीं से आप ले सकते हो, अच्छी कंपनी के जैसे मिलर मिक्सर मैंने आपको बताया था पहले, वो मिलर मिक्सर आप दे सकते हो। वो मिलर मिक्सर शरीर के अंदर इन चीज़ों की कमी को पूरा करेगा तो ऑटोमेटिक पशु हिट में आएगा। और दूसरा इसका इंजेक्शन इंजेक्टेबल होता है, जैसे ताव में नहीं आना, एक हार्मोन की कमी हो जाती है, बच्चादानी के अंदर हार्मोन नहीं बनता, तो हार्मोन बनवाने के लिए इंजेक्शन आते हैं मार्केट के अंदर, जैसे बुसरलिन नाम का इंजेक्शन आता है, वो आप पशु को 5 ml ओवरी मसाज करने के बाद आप लगाओगे तो 10 या 15 दिन के अंदर आपका जो पशु है अगर अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है तो पशु बढ़िया तरीके से हिट में आ जाएगा। डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई भी पशु जुड़वा बच्चे पैदा करता है तो उसमें जो मादा होती है वो बांझपन का शिकार होती है, तो इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी संभावना है, 100% ही संभावना है या फिर कुछ कम? नहीं नहीं ये 100% ही है, क्योंकि इसका मेरे पास प्रूफ भी है, किताब के अंदर है, क्योंकि किताबी नॉलेज से ही डॉक्टर बनते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तो किताब के अंदर जो चीज़ें लिख दी जिन डॉक्टरों ने लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, बांझपन का शिकार है क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी तो इनके अंदर डाली है ये चीज़ें, तो मेरे ख्याल से बांझपन का शिकार मादा पशु होती है। जी जी एक कई बार क्या होता है कि पशु कई बार चढ़ नहीं पाता, चढ़ना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है, तो वो किस कारण से छोड़ता है और उसका क्या इलाज हो सकता है? ये क्या होता है कई बार पशु जैसे हमने कोई नया चारा स्टार्ट कर दिया, जैसे अभी मौसम के अंदर नई तूड़ी आई थी तो पशुपालकों ने क्या किया कि पशु उसे चाव से खाता है, ज़्यादा खा लेता है, तो हम ब्याह शादी के अंदर जैसे हम इंसान ही मान लो ब्याह शादी के अंदर जाते हैं तो अच्छा भोजन होगा तो हम ज़्यादा खाएंगे और वो दिक्कत देगा बाद में, दिक्कत देगा, हम वहाँ तो पेट भर के खा लेते हैं लेकिन बाद में वो दिक्कत देगा। तो उसी प्रकार पशु क्या होता है जो नया चारा होगा वो ज़्यादा खाएगा और उसके अंदर पशु की भूख बंद हो जाएगी, बाद में जाके होगी 2 या 3 दिन बाद में होगी, क्योंकि उसके अंदर जो रूमन का जो मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है बिल्कुल भी, जैसे बंदे की शिकायत हो गई, आफरा आ गया पशु को तो बीमार पशु हो जाता है उस कारण से। उसके लिए जो हमारी कंपनी है एक अच्छे प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे आप हमारी वीडियो आपके पेज पे डालते भी फार्मिंग एक्सपर्ट पे, जैसे लीवर टॉनिक की, तो उसी लीवर टॉनिक के बारे में मैं बात करता हूँ। लीवर टॉनिक जो है ये आप लस्सी के अंदर, अगर कितना ही बड़ा बंदा हो पशु के अंदर, कितना ही तकड़ा बंदा हो, लस्सी के अंदर आधा लीटर पशु को एक साथ पिलानी है,
बंदा तोड़ेगी, साथ में भूख भी बढ़ाएगी। कोई इंजेक्टेबल चीज़ें आपने स्टार्ट कर दिए, जैसे कोई ट्रीटमेंट चल रहा है पशु के, जैसे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट, मान लो कोई बीमार हो गए तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और भूख बंद होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन तो नॉर्मली से लगते ही है उसके अंदर। तो आप ये 50-50 ml सुबह से स्टार्ट करोगे तो भूख बंद नहीं होगी, और इसका रिजल्ट भी आपको पता है, आप यूज़ भी कर किया है आपने कई बार। तो ये है लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर अंदर है। कई बार पशु क्या होता है कि लिक्विड पीता नहीं है, उसकी तो जो खुशबू होती है वो उनको पच नहीं पाती, या किसी प्रकार की दिक्कत मानो, तो इसके लिए ये कंपनी है बतीसा पाउडर तैयार करती है। बतीसा पाउडर जो है ये भी भूख खुलवाने में बंदे की शिकायत के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन जो है वो कंपनी ने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रखा है, तो आप अपने पशुओं को दोगे तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। वीडियो के अंदर तो हम क्या बता दें, इसकी बतीसा पाउडर की जो मात्रा है वो कितनी रखनी होती है? ये हमें 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को जो तूड़ी हम डाल रहे हैं, जो चाट हम डाल रहे हैं, वो बढ़ा देगा ये। एक डॉक्टर साहब, काफ़ी पशुपालक भाइयों के और काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम जो ये कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं उसके क्या लाभ होते हैं, या इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है क्या? होता क्या, ये एक तरीके से बहुत अच्छा जरिया मैं मानता हूँ कृत्रिम गर्भधारण का, जो हम AI करवाते हैं नेचुरल से, तो बहुत अच्छा मानता हूँ। इससे क्या होता है कि पशु, एक तो समय की बचत होती है इससे, जैसे गांव के अंदर हमें जो जो नर पशु होता है उसको ढूंढ के लेना पड़ता है गांव के अंदर, तो समय की बचत ऐसे हो गई। दूसरा, हम नस्ल सुधार के लिए, जैसे हमें ये हो गया कि हमें कोई नस्ल का, अच्छा नस्ल का हमें सांड मिल गया या जो नर पशु मिल गया, तो उसका सीमन हमें रखवाना है पशु के अंदर, ताकि उसके अंदर दूध की बढ़ोतरी हो, पूरी हाइट हो पशु की। तो इस प्रकार से हम नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भधारण बहुत अच्छा एक माध्यम है। और दूसरा ये क्या होता है कि जैसे हम जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, उनसे बचा सकते हैं, जैसे ये ब्रुसेलोसिस हो गया, ब्रीबियोसिस हो गया, इन प्रकार की बीमारियों से हम पशु को बचा सकते हैं। जैसे नेचुरल गर्भधारण हमने करवा लिया तो हमें तो नहीं पता कि उस नर पशु के अंदर क्या बीमारियां हैं, लेकिन जो हम AI करवाते हैं वो बिल्कुल टेस्टेड होती है, अच्छी अच्छी लेब के अंदर उनकी जांच होती है बार बार, अच्छी नस्ल की हम जो AI करवाएंगे, अच्छा सीमन हम पशु के अंदर डलवाएंगे, तो उसका भी रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलेगा। और दूसरा, इसके अंदर पशु को शरीर की हानि होने से भी, कई बार क्या होता है क्रॉस करते समय, नेचुरल क्रॉस करते समय जो पशु, जो छोटी मादा होती है वो हाइट में कम होती है, तो ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो किसी कारणवश उसका पैर टूट गया या कुछ नुकसान हो गया, तो वो भी एक तरीके से पशुपालक की नुकसान ही है। दूसरा, इसके अंदर ये बहुत बड़ा फायदा है कि जैसे कोई पशु को एक्सीडेंट के कारण या किसी भी कारण टूट गया है पशु और अच्छी नस्ल का है, तो उसके अंदर हम कृत्रिम गर्भधारण बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम उसको बैठे बैठे ही उसको क्या कर सकते, गर्भित कर सकते हैं और एक अच्छी नस्ल की पशु तैयार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कृत्रिम गर्भधारण की बात कर रहे हैं, तो अपने पास कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए जो सीमन अवेलेबल है वो कौन से नर पशु का अवेलेबल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे पास जैसे भैंस के अंदर हमने युवराज के भी है, हमारे पास सुल्तान के भी है, अर्जुन के भी है, और अन्य नस्लें बहुत आती हैं। और गाय के अंदर जैसे HF का आ गया और इसका साहिवाल का आ गया, गिर का आ गया, बहुत अच्छी अच्छी नस्लें हैं। जैसे हिसार से हमारी यूनिवर्सिटी से सीमन आते हैं यहाँ पे, तो उनका रिजल्ट बहुत शानदार है, क्योंकि हम फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो मेरे पास मेरे हिसाब से शिकायतें नहीं आई आज तक कि नरेश आपने जो सीमन रखा है, जो क्रॉस किया है, वो रहा नहीं, ठहरा नहीं है। वो अलग बात है कि बच्चा दानी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसका तो इन्फेक्शन हटने के बाद ही ये तरीके से हम उसको गर्भित कर सकते हैं, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से मेरे पास ये शिकायतें नहीं मिली हैं। तो डॉक्टर साहब, अंत में जैसे आपके ये जो प्रोडक्ट है, काफ़ी किसानों के द्वारा इनको खरीदा भी गया है, काफ़ी किसानों ने लिया है, ट्रीटमेंट ट्राई भी किया है और अच्छा फायदा भी मिला है। हमने भी आपकी वीडियो पेज के ऊपर डाली थी, उससे भी आपसे काफ़ी किसानों ने इन प्रोडक्ट को खरीदा है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर कोई किसान साथी या कोई पशुपालक साथी इन प्रोडक्ट को मंगवाना चाहे अपने पास, तो कैसे मंगवा सकता है? हम ये कोरियर लगवाते हैं जी, आप हमारे पास व्हाट्सअप नंबर आप जो स्क्रीन के अंदर चल रहे हैं नीचे, तो हम उस नंबर पे आप मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो हम उस नंबरों पे आप एड्रेस भेज देना, हम कोरियर लगवा देंगे पेमेंट डलते ही, और जिस इलाके में हो आपको आपके घर तक मिलेगा वो प्रोडक्ट।
चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में हो, पंजाब के किसी भी कोने में हो, चाहे हरियाणा के किसी भी कोने में हो, आपको आपके घर तक वो ऑर्डर मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, इतने जो ये प्रोडक्ट है, इनमें से अपने पास ऐसा कोई खास प्रोडक्ट भी है जो आमतौर पर सभी पशुपालकों के लिए काम में आ जाए, जैसे कोई दूध बढ़ाने का कोई फॉर्मूला हो, कोई फैट बढ़ाने का कोई फॉर्मूला हो, ऐसा कोई? हाँ जी बिल्कुल है, हमने फीडबैक भी लिया था पशुपालक भाइयों का, क्योंकि मैं खुद घर में यूज करता हूँ। हमारी जो कैल्शियम है, ये हम दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो चिलेटेड गोल्ड कैल्शियम है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन दी हुई है, कंपनी ने जो कॉम्बिनेशन की है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर मैंगो की फ्लेवर डाली हुई है, और साथ साथ में इसकी एक खासियत ये है कि ये अगर आप धूप में अंदर रखोगे ना, तो ये जमती नहीं है बिल्कुल भी। कई 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 कैल्शियम आती है कई कंपनियों की, जिसके ऊपर पानी आ जाता है और नीचे वो जम जाती है, तो वो कैल्शियम मेरे ख्याल से पशु को नुकसान देती है। तो ये कैल्शियम क्या होती है कि दूध के साथ साथ पशु के अंदर ये समय पर हिट में लाने का भी काम करती है, प्रजनन क्षमता होती है वो पशु की बढ़ाती है। जैसे हमने ब्याते ही 20 दिन के अंदर ये कैल्शियम स्टार्ट कर दी, तो कैल्शियम स्टार्ट करने के पशु 2 महीने के अंदर आमतौर पे पशु हिट में आना चाहिए, 2 या 2.5 महीने के अंदर पशु हिट में आना चाहिए। तो ये क्या होता है, कैल्शियम जो होती है ये पशु को हिट में लाने का भी काम करती है, पोषक तत्वों की शरीर के अंदर जिस प्रकार की कमी है वो पूर्ति करती है। मेरे ख्याल से मैंने जब भी फीडबैक लिया है पशुपालक भाइयों का, तो उन्होंने यही बताया है कि ये कैल्शियम 2 या 2.5 लीटर दूध 3 दिन के अंदर रिजल्ट देती है, तो अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। मैंने वीडियो भी मेरे पेज के अंदर या आपके पेज के ऊपर डाल भी रखी है आपने, और साथ में इस कैल्शियम के साथ में जैसे कई पशु की दिक्कत आती रहती है फैंट नहीं बढ़ती, तो इस कैल्शियम के साथ में हमारा एक प्रोडक्ट आता है फैंट बूस्टर। ये कैल्शियम के साथ आप 50 ml मिला, 50 ग्राम मिलाकर उस कैल्शियम के साथ दे सकते हो, तो फैंट भी बढ़ाएगा और इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। तो डॉक्टर साहब, अंत में अपने किसान भाइयों और अपने पशुपालक भाइयों के लिए कोई संदेश? संदेश तो यही है कि इंजेक्टेबल चीज़ों से बचें, ये आपके पशुओं को आगे जाकर नुकसान करेंगे। जितने भी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ करो, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, जो देसी चीज़ें होती हैं उनको अपनाओ। ये जो जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं आपको, ये सब एक स्वदेशी है, देसी है बिल्कुल, आयुर्वेदिक चीज़ों से ये प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं। जैसे कई बार पशुओं के अंदर शरीर की शिकायत हो जाती है, तो ये एक हमारी फोइनिक्स कंपनी है, फोइनिक्स कंपनी का जो लैप्सिन पाउडर है, ये आपको बेसन के अंदर 150-150 ग्राम 3 दिन लगातार देना होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है शरीर दिखाने के अंदर। कई बार लास्ट के अंदर पशु शरीर दिखाता है, तो शरीर दिखाता है तो उसके अंदर जैसे 2 महीने रह गए ब्याने के, तब पशु शरीर दिखाना शुरू कर देता है, और कई बार ब्याने के बाद ही पशु का शरीर आ जाता है, तो उसके अंदर ये रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट देगा। ही लैप्सिन पाउडर है फोइनिक्स कंपनी का, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और मेरे ख्याल से हमें देसी चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। देसी चीज़ों का रिजल्ट क्या होता है कि थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इंजेक्टेबल चीज़ों का जो रिजल्ट होता है वो हमें तुरंत यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि बार बार वो पशु को दिक्कत ना हो। क्योंकि इंजेक्टेबल चीज़ें एक बार पशु को तो राहत दे देती है, लेकिन बार बार हम इंजेक्शन लगाएंगे तो वो नुकसान करेंगे, लीवर के अंदर तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है इंजेक्टेबल चीज़ें। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ डॉक्टर नरेश जोगीवाला, और अगर आप इनसे कोई प्रोडक्ट या फिर कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं तो पूरे भारत में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।